मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सात सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट कर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एकाने मार्ग में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है, इसलिए मुख्यमंत्री को सात सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट होना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट होते ही चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान को लगा दिया गया है और रोड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी स्थिति में सात सर्कुलर रोड आवास में जाने वाली गाड़ियां स्पीड में नहीं जाएंगी, क्योंकि बैरिकेटिंग लगा दी गई है। आवास की कैसी सुविधा होगी बता रहे हैं मरकू बालम। नीतीश कुमार सेवन सर्कुलर रोड आवास शिफ्ट कर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेवन सर्कुलर रोड आवास शिफ्ट होते ही इस रोड की पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग चारों तरफ डाल दिए गए हैं और कह सकते हैं गाड़ियों की स्पीड और कम रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के जवान को लगाया गया है और बैरिकेडिंग चारों तरफ डाल दिया गया है। आपको पता है कि सेवन सर्कुलर रोड आवास में कल देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिफ्ट किए हैं और यहीं मुख्यमंत्री अभी रहेंगे, चूँकि एक अन्य मार्ग में कह सकते हैं कि वहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम होना है। और कल रात ही हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री का जब काफिला आया था तो मुख्यमंत्री 8:57 पर शिफ्ट किए हैं। और ये जो सर्कुलर रोड है ये देख सकते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग वहाँ लगा दिया गया है और उधर उस तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियों की स्पीड कम रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के जवान को लगाया गया है और यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये आवास नया है, मुख्यमंत्री सर्कुलर रोड आवास जो है, मुख्यमंत्री यहाँ पहले भी रह चुके हैं। चूँकि डेंटिंग पेंटिंग का काम होना है इसीलिए इस सेवन सर्कुलर रोड आवास में मुख्यमंत्री ने कल देर रात मुख्यमंत्री शिफ्ट किए हैं और अब इस रोड में बिल्कुल चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान को तैनात किया गया है और फिलहाल सुरक्षा इस रोड की बढ़ा दी गई है। तो सेवन सर्कुलर रोड की सुरक्षा बढ़ा दी गई, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियों की स्पीड कम रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के जवान को भी लगाया गया है। मरकू बालम, कशिश न्यूज़, पटना।